इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बंसल न्यूज से खास चर्चा में कहा कि राज्य की 11 में से 2-3 सीटों पर काफी मेहनत करनी होगी। तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो चल रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ में है। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ रहेगा उनसे जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीटें हैं, क्या लगता है बाबा कितना आ सकता है? 2-3 में मेहनत काफी बहुत लगेगी कांग्रेस को, बाकी में अच्छी मेहनत अगर की जाए बाकी 8 में तो कांग्रेस को अच्छे परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से ये सीट है, क्या स्वाभाविक है? जो बड़े शहरों के क्षेत्र हैं वो कांग्रेस जिनमें बहुत पीछे रही पिछले बार, उसी से देखा जा सकता है कांग्रेस किन सीटों में बहुत पीछे थी, तो वहाँ कठिन जाता है जाएगा, वहाँ मेहनत बहुत लगेगी। और जो अन्य सीटें हैं उसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, 2 में कांग्रेस जीती, बाकी में संघर्ष में थी, कहीं 6,000 से हारी, कहीं 20,000 से हारी, कहीं 50,000 से हारी। तो पिछले चुनाव में भी कांग्रेस आंकड़ा ऐसा बताता है कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अंतर बहुत कम था पिछले बार भी। कांकेर में 6,000 के आसपास का अंतर था, रायगढ़ में भी मेरे ख्याल से बहुत नहीं था, अन्य विधानसभाओं में भी कोई ऐसा अंतर नहीं था कि शहरी 2 सीटें थी उसमें हम जरूर। कांग्रेस तो ऐसे बता रहे थे कि पूरी फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस कहीं पर भी सरकार नहीं बना पाई विधानसभा। हो सकता है वैसे ही अब की 400 पार के साथ हो जाए, जब एक बार हो सकता है तो दूसरी बार भी हो सकता है। मैं तो नहीं मानता कि इतिहास दोहराता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। प्रधानमंत्री के रूप में आप तो राहुल गांधी को देखते हैं, पूरी कांग्रेस देखती है, क्या और कोई क्या लगता है हो सकता है? प्रधानमंत्री के लिए इंडिया अलायंस ने शुरू से ये कहा है कि हम परफॉर्मेंस देख के अलग अलग सीटों में अलग अलग राज्यों में जहां जहां लड़ रहे हैं जिनकी जैसी सीटें आएंगी और उसके बाद जो राय शुमारी होगी फिर हम प्रधानमंत्री आपस में तय करेंगे। मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से राहुल जी का नाम नंबर 1 पे। दीपक से बंसल सरगुजा।